तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डीजे राकेश तुर्काने और आज आपको मेरा एफएलएम प्रोजेक्ट रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। तो देखते रहिए कि मैं कैसे डीजे मिक्सिंग करता हूं। तो मैंने यहां पर सब कुछ पहले से सेटअप करके रखा हुआ है। यहां पर मैंने सॉन्ग ऐड कर लिया है और यहां पर मैंने पैटर्न वगैरह बना के पहले से रखा हुआ है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं कि मैंने कौन कौन से सैंपल यहाँ पर लिया है डीजे मिक्सिंग के लिए। मेरा पैटर्न है वो, मतलब कि कौन कौन से सैंपल से बनता है। तो यहाँ पर सुन सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार का मेरा सैंपल है और हम यहाँ पर देखेंगे ए लोड होल लगा है और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने घुंघरू लगा दिया है, इसको थोड़ा सा आवाज़ को इसका कम करके। और यहाँ पर देखते हैं दूसरे ड्रम में, तो यहाँ पर लिया है मैंने हीट हैट और यहाँ पर लिया है मैंने हार्ड किक। हार्ड किक बहुत ही हार्ड वाला लेता हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा मेरा हार्ड किक होता है। और यहाँ पे सुनते हैं हम बेस लाइन, कौन सा मेरा बेस लाइन है। यहाँ पे सुनते हैं बेस लाइन को, तो दोस्तों इस प्रकार का मेरा बेस लाइन है जिसे आप लोगों ने सुन लिया है। तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने सॉन्ग पर किस तरह का मास्टरिंग वगैरह किया हुआ है। तो यहाँ पर सॉन्ग पे मास्टरिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको ग्राफिक एफएक्स ग्राफिक को यहाँ पर देख सकते हैं, एफएक्स ग्राफिक का मैंने पूरा यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे एफएक्स टूनेड ईक्यू पर यहाँ पर भी मैंने कुछ मास्टरिंग वगैरह किया है। और यहाँ पर रिवर्स लगाया मैंने, एफएक्स रिवर्स, और यहाँ पर मैंने मल्टी एफएक्स लगाया है, हल्का सा मल्टी एफएक्स लगाया है। और यहाँ पर मैंने इस तरह से सॉन्ग का मास्टरिंग पूरा मास्टरिंग किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं और चलिए सॉन्ग को मिक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले से सॉन्ग का पैटर्न बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ जो सॉन्ग का मेन पार्ट होता है जहाँ से मुखड़ा स्टार्ट होता है, वहीं से मैंने क्या है बीट को यहाँ पर गिरा दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको आपको एक बार सुना के दिखाता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया प्ले, ओह सॉरी, तो यहाँ पर करते हैं प्ले। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा पैटर्न जो बनता है, और इसी तरह के तरीके से मैं पैटर्न बनाता हूँ, हर पैटर्न को हार्ड किक में ही मजा आता है। तो दोस्तों यहाँ पर इतना तो हमारा काम हो चुका है और ये अभी लेटेस्ट सॉन्ग है जो नितिन दुबे का है, रायगढ़ वाला राजा टू। तो इसी सॉन्ग को हम लोग आज क्या है मिक्सिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मिक्सिंग करते हैं और वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप भी मिक्सिंग कर पाइए, हमारे जैसे मिक्सिंग सीख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जहाँ से हमारा क्या है सॉन्ग चलता है, यहाँ पे सबसे शुरू दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉन्ग के सुनकर देख लेंगे कहाँ से हमारा जो क्या है बीट गिर रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्या है बीट गिर रहा है, यहाँ पर यहाँ से। तो दोस्तों इसको क्या करना है, इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम लोग न्यू बीट बना लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर लेंगे, ऐसे करके इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ तक और हम लोग वहीं पे चले जाएंगे जहाँ से हमने सॉन्ग को सुना था, जहाँ पर हमारा पहला बीट गिरता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है फर्स्ट बीट यहाँ से गिर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है जो बीट है हमारा वो मैच नहीं हो रहा है। क्यों मैच नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा बीट मैच नहीं होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों,
यहाँ से हमारा बीट गिरना था, यहाँ से हमारा बीट गिरना था, लेकिन कहीं यहाँ से हमारा बीट गिर रहा है। उसके लिए दोस्तों हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे जाना है दोस्तों, यहाँ पे, और हम लोग इसको 20 से कट कर लेंगे, यहाँ से 20 से कट कर लेंगे इसको इस तरह से, और इसको यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको फिर से वही जगह चल जाना है जहाँ पर हमारा फर्स्ट पैटर्न गिर रहा था। तो यहाँ से हम लोग जूम कर लेंगे इसको, और यहाँ से देखिए दोस्तों, ये हमारा जो बीट है वो यहीं से गिर रहा है, तो इसको हम लोग इतने में कर लिए, और इसके बाद सुन के देखते हैं हम कि तो दोस्तों हमारा जो बीट है वो परफेक्ट मैच हो गया है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बीट को चेंज कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा, तो किक को हम लोग इस तरह से लगा लेंगे यहाँ से, इसको थोड़ा सा हल्का जूमिंग कर लेंगे, और यहाँ से बीट को हम लोग इस प्रकार से लगा लेंगे, जो हार्ट किक है हमारा उसको इसी प्रकार से आपको भी लगा लेना है यहाँ तक, और इसे भी कॉपी करना है आपको, और यहाँ तक कर लेना है, और इसको कट पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से घुंघरू सेम करना है, और यहाँ पर आपको लोड होल हटा लेना है, बिल्कुल रिमूव कर लेना है, और ये सब तो वैसे ही रहेगा। और आपको क्या करना है दोस्तों, तो दोस्तों इसको आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसको इस प्रकार लगा देना है, इस प्रकार से लगा के इसको फिर से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे फिर उस चीज़ को पेस्ट कर लेंगे। इसको हम लोग दो बार क्लोन देख लिए थे, यहाँ पे इसका क्लोन निकाल के, तो इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और दोस्तों सुनेंगे कि हमारा ये कैसा बज रहा है, तो चलिए सुना के दिखाते हैं आपको। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अभी भी बीट मैच नहीं कर रहा है, इसके लिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर अभी भी हमारा बीट जो किया है वो मैच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लेंगे, और इसको कर लेंगे जूम, अब देखते हैं शायद मैच हो जाए। तो दोस्तों बीट तो मैच हो चुका है, लेकिन मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो उसको हम लोग सुधारते हैं कहाँ पर गड़बड़ी हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्या है किक है वो सेंटर से बाहर निकल गया था, इसलिए हमारा क्या है बीट जो है मज़े नहीं आ रहा था। आप देखिए, सुन के देखिए दोस्तों कि हमारा जो बीट है वो कैसे लगता है। तो दोस्तों हमारा बीट जो है क्या परफेक्ट बैठ चुका है, यहाँ पर सॉन्ग में परफेक्ट मैच हो चुका है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करना है, इसको पूरा से यहाँ तक,
दोस्तों यहाँ पर ब्रेक आ रहा है, तो ब्रेक को हम लोग कट कर लेंगे यहाँ पर, ब्रेक को यहाँ पर छोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद फिर से इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, इस तरह से कॉपी कर लेंगे और फिर वैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे मिक्सिंग करते हैं। और यहाँ पर आगे मिक्सिंग करते हैं और यहाँ से हम लोग ब्रेक को छोड़ देंगे बिल्कुल ही। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो बीट है वो फिर से यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। वो क्या है, यहाँ से लाइन से जो क्या है आगे निकल गया हमारा जो यहाँ पर बीट गिरता है वो थोड़ा सा आगे खिसक गया है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको कट लगाना है, थोड़ा जूम कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कट लगाना है, उसके बाद डिलीट पे करना है। यहाँ पर डिलीट पे हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये और ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। और इसके बाद क्या करना है आपको, तो यहाँ से हम लोग जूम आउट कर लेते हैं और सॉन्ग को सुन के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बीट जो क्या है गिर रहा है, तो इसको क्या करना है दोस्तों, हमको यहाँ पर सेंटर पे ला लेना है इसको और फिर से जूम आउट कर लेंगे। और यहाँ से भी आपको जूम कर लेना है और यहाँ पर इसको हल्का सा यहाँ से खींच के मिला लेना है इसको। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम बीट को फिर से मैच करके देखते हैं। यहाँ फिर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो क्या है बीट है वो परफेक्ट मैच हो गया है। तो इसको तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है मिक्सिंग हो चुका है, यहाँ तक मिक्सिंग हो चुका है। यहाँ पर बीट जो क्या है परफेक्ट हमारा बैठ चुका है सॉन्ग पे। तो यहाँ से क्या करना है दोस्तों, हमको यहाँ पर सुन के देखते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक लूप्स लगाते हैं, लूप्स लगा लेते हैं यहाँ से। लूप्स लगाने से क्या होता है दोस्तों, सॉन्ग में और ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग न्यू टैब ओपन करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ऑडियो क्लिप पे करना है और यहाँ से आपको कट कर लेना है। उसके बाद इसको आपको ऊपर की ओर ले जाना है। इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लूप्स लेना है जहाँ पर भी आपका लूप्स हो गया। और यहाँ पर ब्रेक पैटर्न पे जाकर हम लोग तो दोस्तों हम लोग इस लूप्स को ले लिए हैं और यहाँ पर हम लोग प्ले करके देखते हैं इसको कि कैसा लग रहा है ये। तो हल्का से दोस्तों इसको हम लोग यहाँ तक लाएंगे और उसके बाद देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ से लगेगा ये। दोस्तों ये थोड़ा फास्ट हो रहा है, इसके लिए क्या करना है आपको, इतना थोड़ा इसको
दोस्त इसने थोड़ा इशू आ रहा है, इसको क्या करना है, यहाँ से फिर से उसी की लॉगिन लेंगे। तो दोस्तों ये लूप्स क्या है वो अच्छे से मैच नहीं हो रहा है और मज़ा भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों आपको, यहाँ से हम लोग न्यू लूप्स लेते हैं, वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए हम लोग क्या करेंगे न्यू लूप्स लेंगे यहाँ से। 3, 2 तो दोस्तों इस लूप को हम लोग ले लिए हैं और यहाँ से करके इसको थोड़ा फास्ट कर लेंगे जितना कि हमारा BPM में सेट है। तो यहाँ पर आपको BPM भी चेक करके दिखा देता हूँ कि हमारा कि कितना BPM है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 171.8 हमारा BPM है और यहाँ से सुन कर देखते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है जो हम लोगों ने लूप्स लिया था वो बिल्कुल ही यहाँ पर मैच हो गया है। और इसको हम लोग क्या करना है, इसको एक बार और इसको प्रेस कर रहना है, उसके बाद यहाँ पर क्लोन चैनल, यहाँ पर क्लोन चैनल पर कर लेंगे और यहाँ पर ये डबल हो जाएगा जिससे कि हमारा सॉन्ग जिससे हमारा कि लूप्स का जो आवाज़ है वो दोगुना हो जाएगा। तो दोस्तों इतने में हमारा क्या है जो ब्रेक आ रहा है उसके लिए क्या करना है दोस्तों, हम लोग को यहाँ पर ब्रेक को भी छोड़ देना है और यहाँ पर आगे बढ़ना है। कि ब्रेक क्यों छोड़ना है दोस्तों, क्योंकि मैं ब्रेक को सबसे लास्ट में बनाता हूँ जब पूरा सॉन्ग मेरा मिक्सिंग हो जाता है, पैटर्न वगैरह लग जाता है, उसके बाद ब्रेक को फिर से लगाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको सुना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो कितना अच्छा बच रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो क्या है सॉन्ग ख़त्म हो जा रहा है और यहाँ पर म्यूज़िक आ जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है यहाँ से म्यूज़िक आ जा रहा है, 20 का म्यूज़िक जो होता है यहाँ पर वो आता है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों हमको, यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है इलेक्ट्रो लाइन है उसको हम लोग, बेस लाइन है उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे और यहाँ से सॉन्ग को क्या करना है, यहाँ पर सॉन्ग को कट कर लेना है डिलीट पे करके, इसको यहाँ तक ले जाना है और
तो दोस्तों इतना होने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको आगे ले जाना है, जो हमारा सॉन्ग है उसको आपको आगे आगे यहाँ तक ले जाना है, जहाँ से हमारा फिर सॉन्ग मिक्सिंग होगा वहाँ तक। और इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर फिर से बीट पे ध्यान देना है कि हमारा जो बीट है वो परफेक्ट मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो बीट है वहाँ कहीं और यहाँ पर खिसक गया है, तो उसको हम लोग यहाँ पर सही किए हैं। और यहाँ पर हम लोग फिर से पैटर्न लगा के देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मिक्सिंग करता हूँ मैं, और आपको भी करना चाहिए। तो दोस्तों इसका मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, पार्ट टू करके, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी को यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर 33 या 23 मिनट से ज़्यादा का मेरा वीडियो हो गया है। तो यहीं पर इसको एंड करते हैं, और नेक्स्ट में आपको बताएंगे कि इसका फुल मिक्सिंग आपको कैसे करना है। अभी फुल मिक्सिंग नहीं हुआ है, अभी तो कुछ भी मिक्सिंग नहीं हुआ है, इसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं हुआ है, अभी बहुत मिक्सिंग लगता है इसमें। अभी तो सिर्फ पैटर्न ही यहाँ पर क्रिएट हुआ है, और पैटर्न ही हमारा कुछ देर तक कुछ दूरी तक बना है अभी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ हमें लगाना पड़ेगा, एफएक्स वगैरह, यहाँ पर बेस लाइन वगैरह और हमको डालना पड़ेगा, और यहाँ पर लूप्स भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा, और दूसरा लूप भी डालना पड़ेगा यहाँ पे, एक ही लूप्स पे नहीं चलता है। यहाँ पे दोस्तों आपको, तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पे आपको बताते हैं कि इसको आप पूरा मास्टरिंग और मिक्सिंग कैसे करना है आपको। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।